माई चैनल रेकी फ्लेम्स एंड मैं वापस आ गई हूँ मेरे तीन पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलॉजाइज फॉर नॉट बीइंग एबल टू अपलोड माई वीडियो लास्ट वीक. एक्चुअली आई हैड सम इशू विद माई लैपटॉप एंड आई डू नॉट ऑपरेट यूट्यूब फ्रॉम माई फ़ोन. मेरे फ़ोन में स्टोरेज की बहुत स्कैसिटी है तो मैं कोई भी दूसरा ऐप और मैं इंस्टॉल नहीं कर सकती. तो मैं यूट्यूब मेरे लैपटॉप से ऑपरेट करती हूँ एंड मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यूज़ थे. That's why I wasn't able to upload the video and I wasn't even able to answer anyone. Especially Rohan, आपने मैसेज सेंड किया था YouTube में, जो कि मैं आज जब मेरी लैपटॉप ठीक होके आई शाम को, उसके बाद ही मैंने देखा. एंड मैंने पर्सनली उधर कोई मैसेज नहीं आपको भेजा, रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि एज आई वॉज प्रिपेयर्ड कि आज मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, मैसेजेस पहुँचाने वाली हूँ. तो मैं आपको डायरेक्टली कहना चाहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपने पूछा था कि दीदी अपनी ठीक आ चें, तो विच मीन्स के दीदी आप ठीक हो के नहीं. जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यूज़ थे, इसके लिए मैं लास्ट वीक नहीं अपलोड कर पाई एंड मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से उसके लिए. एनी वे, सो माई लैपटॉप इज़ बैक एंड आई एम बैक टू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. क्रिस्टल में आज हमारे साथ सारे के सारे रोज़ क्वार्ट्ज ही है. पाइल नंबर वन में आप लोग एक रोज़ क्वार्ट्ज की पिरामिड देख सकते हैं. पाइल नंबर टू में मैंने एक रोज़ क्वार्ट्ज के पेंसिल रखे हुए हैं. पाइल नंबर थ्री में मैंने एक रोज़ क्वार्ट्ज का बॉल रखे हुए हैं. सो पॉज द वीडियो को पॉज कर लीजिए, दिमाग को शांत कर लीजिए, काम योर माइंड डाउन. फील द रेजोनेंस, कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप लोग ड्रॉन फील कर रहे हैं. एंड देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग. मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ. सो कार्ड नंबर वन फ्रॉम पाइल वन, ट्रस्ट, श्रद्धा सबूरी. बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट. This is your card. Okay, so अगर विश्वास या भरोसा डगमगा रही है, जिन्होंने भी पाइल वन सेलेक्ट किए हैं और इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, अगर आप लोगों की भरोसा या विश्वास डगमगा रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, अगर बहुत दिनों से आपने कोई मन्नत रखा है या बहुत दिनों से आप कोई चीज़ के लिए प्रे किए जा रहे हैं एंड वो चीज़ आपको अभी तक मिल नहीं रही है, और यू आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग फेथ एंड इफ़ योर फेथ इज़ शेकिंग, तो आपके लिए मैसेज ये है, प्लीज़ स्टिक टू इट. आप भरोसे को डगमगाने मत दीजिए. जैसे ही टाइम आएगा, आपने इतने दिनों तक वेट किए हैं, थोड़ी देर और सही थोड़ा सा डटके रहिए एंड जैसे ही वो टाइम आएगा, जो भी चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं, अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, वो सच में आपकी अच्छाई के लिए है, तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगी. सेकेंड कार्ड फ्रॉम पाइल वन, डिवाइन टाइमिंग. Do not be disturbed. If something is meant for you, it will definitely come to you. Completely resonates with the first card. शायद एक orb जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को. This is because of the light. Okay, so कुछ especially elaborate करने की कुछ भी है नहीं. जैसे कि मैंने first card में कहा था, जैसे ही वो time आएगी, यानी कि divine timing जैसे ही आएगी, वो घड़ी जैसे ही आएगी, अगर जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हो, अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, तो वो आपको ज़रूर ज़रूर मिल जाएगी. थर्ड कार्ड फ्रॉम पाइल वन, बिलीव. डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी. दिस इज योर कार्ड. ओके, वही वापस से इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन की जो डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश कीजिए. जो भी ख्याल दिमाग में आता है, उसको सच मान के मत बैठिए कि
ठीक है, मेरा एक टाइम जो मैंने सोचा था वो सही हुआ था, दो बार तीन बार चार बार मैंने जो भी सोच आया मुझको वो सही निकला, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जो सोच आपके दिमाग में आता है वो आपकी इंट्यूशन है एंड आप बहुत ऊंधे दर्जे की इंट्यूटिव हो, ये बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। हर एक थॉट जो आ रहा है वो सच हो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी माइंड उतनी स्मार्ट है जो जो चीज़ आप सुनना चाहते हो, जो चीज़ आप देखना चाहते हो, जो चीज़ आप जिस तरीके से मतलब क्या बोलूँ, जिस चीज़ को आप जिस तरीके से आपके सामने पाना चाहते हो उस हिसाब से माइंड स्टोरी बनाने में काफ़ी माहिर होती है। सो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस, थोड़ा सा पॉज ले लीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। जो भी ख्याल दिमाग में आता है ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चाई हो और वो आपके इंट्यूशन हो। मेडिटेट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके साइलेंट रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आपकी इंट्यूटिव पावर अगर सच में बढ़ानी है तो इधर की जो बातें हैं उसको कम करनी पड़ेगी, अंदर की जो बातें हैं, इधर की जो बातें हैं यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ये जो सिग्नल है वो पहुँचाने के लिए आपको ये जो रास्ता है बीच का उसको बंद करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप साइलेंट रहोगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो इंट्यूटिव पावर है उसको आप इंक्रीज़ कर पाओगे एंड उसके बाद आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा आपकी इमेजिनेशन है एंड कौन सा आपकी इंट्यूशन। उससे पहले हर इमेजिनेशन को इंट्यूशन मत के इंट्यूशन मान के मत बैठ जाइएगा, ठीक है। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड। First card from second pile, surrender. Gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation. This is your card. Okay, जिन्होंने भी पाइल टू सिलेक्ट किए हैं एंड इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, आपके लिए मैसेज ये है, जो भी आपके इश्यूज़ है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, जो भी आपके वरीज है, उन सब चीज़ों को आप सरेंडर कर दीजिए। अगर आप बाबा के डिवोटी है तो वो आप बाबा को सरेंडर कर दीजिए। अगर आप किसी और डेटी को मानते हैं, वर्शिप करते हैं, तो उनको सरेंडर कर दीजिए। अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं तो उनको सरेंडर कर दीजिए, बट सरेंडर ज़रूर कर दीजिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर जगह पर, हर मंदिर पर एक एक रिक्यूजेशन छोड़ के आ जाओगे। सरेंडर का मतलब है पूरी तरह से समर्पित कर देना कि जो भी मेरी इश्यूज़ है, जो भी चीज़ मुझको कंसर्न किए जा रहा है, वट एवर द थिंग इज़ डूइंग मी अ कंसर्न, आई सरेंडर इट एट योर फिट। ऐसे आपको जो जिनको भी आप वर्शिप करते हैं, जिन भी डेटी को आप वर्शिप करते हैं, अगर बाबा के डिवोटी हो तो बाबा को, किसी और के हो तो किसी और को, बस आपको सरेंडर कर देना है एंड चुपचाप बैठ जाना है रिजल्ट के लिए। रिजल्ट इनएविटेबल है, क्योंकि जितना आप कम पुश करोगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगी। सेकेंड कार्ड फ्रॉम सेकेंड पाइल, रिपीटेशन इन लाइफ। लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइव्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। दिस इज योर कार्ड। ओके, अगर आप उन लोगों में से हो जो ये सोचते हैं कि बार बार मेरे साथ ये चीज़ क्यों होती है, भले वो रिलेशनशिप में हो, भले वो करियर में हो, जॉब में हो, फिनेंशियल स्टेट में हो, बार बार एक ही तरीके की अगर एक्सपीरियंस आपको मिलता रहा है और आप ये सोचते हो कि बार बार चीज़ें रिपीट क्यों होती है, चाहे वो बैड रिलेशनशिप हो, बैड जॉब हो, बैड फ्रेंडशिप हो, बार बार एक ही चीज़ क्यों घूम फिर के मेरी ज़िंदगी में आती है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि जब तक आप लेसन लर्न नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें बार 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 ऐसे रिपीट होके वो सर्कल में वो आता ही रहेगा, वो साइकिल रिपीट होती ही रहेगी। और ये सिर्फ इस लाइफ में नहीं, हर एक लाइफ में, यानी कि अगर ये चीज़ हो रही है तो बहुत बहुत चांसेस है कि आप ये पास्ट लाइफ से भी कैरी कर रहे हो। ये जो फॉर्म, ये जो पैटर्न आपके साथ चलता आ रहा है, ये आप पास्ट लाइफ से भी कैरी कर सकते हो।
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी लाइफ की वो बात है या इसी लाइफ तक वो रह जाएगी। अगर ये इस लाइफ की आपकी बात है और इस लाइफ में अगर आप उसको चेंज नहीं कर सके तो बहुत चांसेस है कि वो आप कैरी फॉरवर्ड करके आपकी जो नेक्स्ट जर्नी रहेगी, नेक्स्ट जो लाइफ रहेगी उसमें भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू लर्न द लेसन। जब एक कठिन घड़ी आती है, जब हम लोग उसमें से निकल के आते हैं, वो एक रिलीफ आती है हम लोग को भी से, थैंक गॉड, वो थैंक गॉड इज़ ओके, यू आर शोइंग योर ग्रैटिट्यूड, यू आर ग्रेटफुल टूवर्ड्स गॉड, दैट्स फाइन, दैट्स प्रिटी अप्रिशिएटेड, प्रिटी मच यू नो अप्रिशिएटेड। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वही चीज़ को वापस से दोहराओ। मतलब आपको रिस्पॉन्सिबल होना है, क्योंकि हम लोग जैसे ही वो बला टल जाती है, वो आफत की घड़ी निकल जाती है, हम लोग वापस से वो इरेस्पॉन्सिबल जोन में चले जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। हाँ ठीक है ना, जब होगा तब देखेंगे, और उसी चक्कर में यही चीज़ रिपीट होती रहती है। सो द बॉटम लाइन इज़, जब कभी भी आप कोई कठिन घड़ी में से गुजरते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट, किस वजह से आप उस सिचुएशन में हो। जैसे ही आप उस चीज़ को रियलाइज़ करते हो, दोबारा आपसे वो गलती होने की चांसेस नहीं रहेगी। थर्ड कार्ड फ्रॉम द सेकंड पाइल, द पावर ऑफ उदी, माय उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, दिस इज योर कार्ड। ओके, बहुत सिंपल सा मैसेज है। अगर आप बाबा के डिवोटी हो तो ऑलरेडी आप जानते हो उदी की महत्व क्या है। उदी हम लोग उस राख को कहते हैं जो बाबा की धुनी, जो कि शिरडी में 24 आवर्स जलते रहते हैं, उस धुनी की जो राख होती है उसी को हम लोग उदी कहते हैं, जो कि एक डिवाइन गिफ्ट है हम लोगों के लिए। और जैसे कि कहा जाता है, धुनी, बाबा और उदी तीनों सेम हैं, कोई अलग नहीं है। सो धुनी को लेने की एक नियम है, धुनी को कभी भी आप लोग सुखी सुखी ना ले। जब भी धुनी का सेवन करना है, जब भी उदी की सेवन करनी है, उदी आप कभी भी सुखी सुखी ना ले। उदी जब भी आपको लेना है तब पानी में घोल कर ही ले, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी सुखी उदी नहीं लेना है, या तो पानी में घोल करके लीजिए, या तो फिर अगर आप एक पिंच बस आपके मुंह में आप रखना चाहते कि बस एक पिंच ले लिया और ज़ुबान पे रख लिए, तो पानी के साथ ही उसको ले, एक चुटकी भर आप एक पिंच लेके आप ज़ुबान पे रखो और फिर पानी के सहारे ही उसको आप लो, उसको स्वैलो कर लो। आप जो भी आपके इमोशनल इश्यूज़ है, फिजिकल इश्यूज़ है, मेंटल इश्यूज़ है, सारे के सारे उदी को आप समर्पित कर दो। जैसे कि बाबा को समर्पित करना, उदी को समर्पित करना, धुनी को समर्पित करना, सब कुछ एक ही रहता है। सो दिस वॉज द मैसेज, आप उदी लीजिए, बाबा को सरेंडर कर दीजिए, जो भी आपके इश्यूज़ है इट विल बी टेकन केयर ऑफ। सो वी आर डन विद द सेकंड पाइल। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द लास्ट पाइल, दैट इज द थर्ड पाइल, ऑल इज़ वेल। One of the ascended masters is guiding and protecting you. This is your card, a very beautiful card. Hopefully this is visible. Okay, so जिन्होंने भी थर्ड पाइल सेलेक्ट किए हैं और इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कार्ड है। मैसेज है आपके लिए कि कोई एक एसेंडेड मास्टर है जो आपको कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, तो आपको तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अगर कुछ भी, फिर भी अगर कुछ भी आपकी ज़िंदगी में एक लो फेज़ या मीडियोकर फेज़ अगर कुछ चल रहा है और वो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस में रख रही है, तो आप बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि कोई ना कोई है जो आपको प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। वो बाबा भी हो सकते हैं, कोई और भी डेटी हो सकते हैं, एंजल्स भी हो सकते हैं, कोई एक एसेंडेड मास्टर हो सकते हैं जो कि आपको कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बात है। द सेकेंड कार्ड इज चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज योर कार्ड। A very very beautiful card indeed. So आपके लिए message ये है कि बाबा बहुत जल्द आपको channel बनाने वाले हैं उनके कार्य के लिए। channel का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं हर थर्सडे आ जाती हूँ आप तक बाबा की messages पहुँचाने के लिए, so here I am the channel जिनके ज़रिए, यानी कि जो ब्रिज होते हैं जिनके ज़रिए बाबा कम्युनिकेट करते हैं। बाबा किसी को किसी तक, मतलब किसी तक कोई messages पहुँचाने का रहता है, या मान लीजिए किसी को बाबा को उदी पहुँचाने का है, वो हो सकता है कि आपके ज़रिए वो हो जाए, आप किसी को उदी जाके दे दो, या कुछ भी हो सकता है।
आई कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑन दैट, बट सिंस द मैसेज इज लाइक के बाबा आपको चैनल बनाने वाले हैं बहुत जल्द, सो वेट एंड वॉच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. थर्ड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, सेलिब्रेशन. गुड न्यूज स्टैंड फॉर सेलिब्रेशन. ब्यूटिफुल कार्ड. दिस इज योर कार्ड. बहुत प्यारा सा पाइल रहा थर्ड पाइल. सो इसको मैं अलग से क्या ही इलाबोरेट करूँ. कोई एक बहुत अच्छी टाइम आ रही है आपकी ज़िंदगी में, वो किसी भी फील्ड से हो सकती है. एक नई जॉब हो सकता है, नया रिलेशनशिप हो सकती है, शादी हो सकती है, घर में एक न्यू मेंबर आ सकता है जिसके बच्चे होने के चांसेस है, या तो आपके घर में, या तो आपके फैमिली में, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के घर में. कुछ ना कुछ जो भी आपसे बहुत क्लोजली रिलेटेड है, या तो आपकी ज़िंदगी में, या फिर जो भी आपसे बहुत क्लोजली रिलेटेड है, वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशन की और गुड वाइब्स की संभावनाएं देखी जा रही है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो वी आर डन विद ऑल द थ्री पाइल ऑफ कार्ड्स. एंड इसके आगे आप लोगों को पता है क्या करना है. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और जी हाँ, याद से नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं कुछ भी नया अपलोड करूँ, इंक्लूडिंग हर थर्सडे जब मैं बाबा के मैसेजेस लेके आती हूँ, जब भी मैं अपलोड करूँ आपको वो नोटिफाइड हो जाए. इसके अलावा भी मैं जब कभी भी कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ जो कि स्पिरिचुअलिटी, वाइट मैजिक स्पेल्स या दूसरे डेक से रिलेटेड हो, वो भी आपसे मिस ना हो. एंड अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मेरी जो भी मेरे काम रहते हैं, जो कि जो मेरे क्लाइंट्स है और मेरे चैनल के व्यूअर्स भी हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बहुत बुरी तरह से ऑक्यूपाइड रहती हूँ पूरे दिन भर, बट फिर भी मैं टाइम निकालती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं वो मैसेज आप लोगों तक पहुँचा सकूँ. यस, ऑफकोर्स इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी एज़ वेल. मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ये काम कर पा रही हूँ, बट फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आती हूँ. तो अगर आप लोग एक छोटा सा कमेंट डाल दोगे तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. इट विल मेक मी फील दैट माई एफर्ट इज़ वर्थ. तो मैं जो भी इनिशिएटिव लेती हूँ, जितना भी मैं एफर्ट डालती हूँ, वो वर्थ है. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको कमेंट अच्छा ही डालना है. अगर कुछ ख़राब लगा, अगर कुछ आपको सैटिस्फैक्ट्री नहीं लगी, तो आप वो ज़रूर मेंशन कर सकते हैं. अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो भी आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. जैसे कि लास्ट टू लास्ट वीक जब मैंने अपलोड किया था, तो समन दियारा, जितना मुझको नाम याद है, उन्होंने मुझको एक सजेशन दिया था कि मेरी जो एक लाइक करने की जो एक एनिमेशन आती है वीडियो में, वो डायरेक्टली बाबा के मुंह के ऊपर आ रहा था. एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि उन्होंने ये मार्क किया और मुझको उन्होंने ये सजेशन दिया. उन्होंने मुझको ये हाईलाइट करके बताया कि ये चीज़ गलत हो रही थी. एंड सो आई हैव चेक्ड इट एंड दिस टाइम आई हैव रेक्टिफाइड दैट. सो अगर कुछ भी सजेशन है आप लोगों का मेरे लिए, तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं. कार्ड रीडिंग के अलावा भी अगर कोई भी क्वेरीज है तो वो भी आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. एंड इफ़ यू फील दैट देयर इज़ समथिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते हैं, देन यू कैन फील फ्री टू इनबॉक्स मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी आप लोगों को मेरे वीडियो में ही मिल जाते हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड आई ज़ेनिया प्रॉमिस टू कम बैक सून विद सम मोर यूजफुल टिप्स. एंड हर थर्सडे मैं तो हाजिर रहती ही हूँ. अगर कोई छोटी मोटी ऐसे, जैसे कि लास्ट वीक हो गई थी, अगर ऐसे छोटी मोटी कोई ग्लिचेस ना आ जाए और मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो मैं हर थर्सडे आप लोगों के सामने हाजिर रहूँगी मेरे तीन पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साई राम.